पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि सोमवार को पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 22 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। वहीं इस मामले में ईडी ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पात्रा चौल घोटाला 1043 करोड़ रुपए का है। राउत इस केस में आरोपी है। माना जा रहा है कि आज जमानत के लिए संजय राउत अर्जी नहीं देंगे। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अब ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा। इससे पहले 4 अगस्त को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें राउत को कोर्ट ने 8 अगस्त के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाई थी। हालांकि उस दौरान भी ईडी ने 8 दिन की कस्टडी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।